नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के लहरागागा में सीवरेज की जहरीली गैस चढ़ने से एक सफाई कर्मी की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। कृषि विभाग ने जीरा की दाना मंडी में स्थित पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के एक अनधिकारित गोदाम को किया सील। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के चलते बरनाला पुलिस ने बदनाम बस्तियों व सेंसिटिव इलाकों में की रेड। आईजी पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह छिना ने की अगुवाई। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के लहरागागा में सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां सीवरेज की सफाई करने गए 4 सफाई कर्मियों में से एक की जहरीली गैस चढ़ने से मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें संगरूर के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक लहरागागा के वार्ड नंबर 2 वाटर पार्क रोड के नज़दीक बने सीवरेज की सफाई करने के लिए सफाई करने पहुंचे, जब पहले सफाई कर्मचारी ने सीवरेज का ढक्कन उठाया तो नीचे से निकली जहरीली गैस से वह बेहोश हो गया और सीवरेज में गिर गया। उसे निकालने के लिए उसका दूसरा साथी नीचे गया, लेकिन वह भी वापस नहीं आया, जिसके बाद तीसरा साथी गया और वह भी सीवरेज से बाहर नहीं निकल पाया, जिसके बाद चौथे साथी ने कपड़े के साथ अपना मुंह बांधकर सीवरेज में उतरा और तीनों को बाहर निकाला। लेकिन जो सबसे पहले सीवरेज में गिरा था, उसे जब बाहर निकाला तो उसकी मौत हो चुकी थी। बाकी 3 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें संगरूर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मृतक सफाई कर्मचारी की पहचान सुखविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 8 लहरागागा के तौर पर हुई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। आज सवेरे बहुत दुखदायी घटना वापरी है। कमेटी के कर्मचारी सीवरेज नूं सफाई करने लिए गए थे। उन्होंने विचों एक लड़का जो अंदर बड़े उन्हें गैस चढ़ गई, बाद दे विच दूसरे उसनू बचाउण लई गए तो उन्होंने भी गैस चढ़ गई, जिहदे विचों सुखविंदर सिंह हैप्पी एक लड़के की डैथ हो गई, दो रैफर किया हुआ जी संगरूर का। एक्चुअली सानू सवेरे ही फोन आया, कुछ पब्लिक का फोन भी आया, तो MLA साहब का भी फोन आया कि इतने सीवरेज कुछ बंद कोई हादसा हो गया। असं इमीजिएटली अपनी मेडिकल टीम भेजी, तो 108 फोन करके वह भी गई, तो मौके से 3 एंबूलेंसा तो 2 टीम उत्थे पहुँच गई, तो जदों उत्थे बंदे कढ़े सारी टीम हाजिर सी, उन्होंने उत्थों ही संभाल के उन्होंने लहरे सिविल अस्पताल लेके आए, जिन्हां विचों 4 पेशेंट सीगे जी। एक तो ब्रॉड डेड है, वह मतलब मौके पर ही मौत हो चुकी थी, तो 3 मरीज़ सीरियस हैं, उन्होंने असं फर्स्ट एड देकर संगरूर रैफर किया है। जिहड़ा मरीज़ ब्रॉड डेड है, उसका नाम सुखविंदर सिंह पुत्र अमरीक सिंह है, जो कि वार्ड नंबर 8 का लहरा का रहने वाला है, 32 साल की उम्र है। तो जिहड़े मरीज़ सीरियस से असीं फर्स्ट एड देकर संगरूर रैफर किए हैं, उन्होंने एक का नाम सोनू पुत्र वीर सिंह वार्ड नंबर 5, विनोद कुमार पुत्र तरसेम चंद वार्ड नंबर 4, नरेश कुमार पुत्र रत्ती राम वार्ड नंबर 15 लहरागागा के वासी। 2-3 बंदे सीवरेज के काम कर रहे थे, जो कि पहला एक डिग्गया उसनू कढ़न लई 2 बंदे होर उतरे, जो कि गंदी गैस बनने कारण बिचे बेहोश हो गए, जिस कारण उन्होंने जहरीलियां गैसा होने कारण बाहर ना निकल सके। वो प्रशासन का कोई भी प्रबंध ना होने करके JCB मंगवाई, एंबूलेंस मंगवाई, कोई भी चीज़ टाइम पर नहीं पहुँची, कोई भी चीज़ का इतने कोई वो नहीं है जी अवेलेबल हो सके। इन्हों हो गया कम से कम 15-20 मिनट ये अंदर रहे ने। एक किसान जत्थेबंदी की शिकायत पर कृषि विभाग फिरोजपुर की ओर से दाना मंडी जीरा में स्थित मैसर्ज भूषण पेस्टिसाइड एवं फर्टिलाइजर का एक अनधिकारित गोदाम सील कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन कादियां के जिला प्रेस सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कृषि विभाग फिरोजपुर ने इस अनधिकारित गोदाम में से 15 सैंपल कीड़े मार दवाइयों और 7 सैंपल खाद के भरने के उपरांत इस गोदाम को सील कर दिया। इस मौके पर कृषि विकास अधिकारी जीरा जसप्रीत सिंह ने बताया कि उन्हें भारतीय किसान यूनियन कादियां की ओर से गोदाम के संबंधी शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सैंपल लेने के उपरांत इस गोदाम को सील कर दिया गया।
तो वहीं थाना सिटी जीरा में तैनात एएसआई सुखवीर सिंह ने बताया कि उनकी मौजूदगी में कृषि विभाग द्वारा इस गोदाम को सील किया गया है और पुलिस द्वारा गोदाम मालिक के खिलाफ पर्चा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जीरा से हलचल के लिए सतीश विज की रिपोर्ट। खेतीबाड़ी महकमे भारतीय किसान यूनियन कादियां वालों एक शिकायत प्राप्त हुई थी मैसेज भूषण फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के बारे ओदे उत्ते कार्रवाई करते हुए मेरे नाल श्री अमित पुंज खेतीबाड़ी विकास अफसर ते साडे खेतीबाड़ी विभाग वालों एक कार्रवाई की गई जिदे विच असीं भूषण फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का एक अनअधिकारित गोदाम जिहड़ा फड़िया सीगा ते उहदे विच कार्रवाई करदे हुए इनसैक्टीसाइड एक्ट ते अते फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अधीन कार्रवाई करते हुए असीं 50 तों 55 जिहड़ियां ने कीड़ेमार दवाइया जिहड़ियां उह फड़ियां ने ते लगभग 10 तों 12 जिहड़ियां ने खादां दी जिहड़ी उह असीं बरामदगी की है उन्हां विचों लगभग 14-15 कीड़े मार दवाइयां दे सैंपल किए गए 7 सैंपल खादां दे किए गए जिन्हां नूं असीं हुण टेस्टिंग दे लई लैबोरेटरी विच जिहड़ा भेजा जाएगा उन्हां दे रिजल्ट तों बाद असीं उन्हां दा दस सकदे हां वी कि उन्हां दा की क्वालिटी है जो भी है ते बाकी असीं उस गोदाम नूं सील मतलब करवा दे। भारतीय किसान यूनियन कादियां दा जिला प्रेस सकत्तर अज इत्थे असीं बैठे हां भूषण पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर दा अन अधिकारित गोदाम आ जिस विचों खेतीबाड़ी अधिकारियों ने भारतीय किसान यूनियन के अहुदेदार रहनमई हेठ इसकी जांच की गई इस 15 सैंपल दवाइया के भरे गए 7 सैंपल जोड़े खादा के भरे गए और इस गोदाम जोड़े सैंपल भर के 44 घंटे के ऑपरेशन सक्सैसफुल तो बाद इस सील कर दिता गया। पंजाब सरकार के दिशा निर्देश एवं डीजीपी पंजाब के आदेशों पर नशा मुक्त पंजाब मुहिम के तहत पटियाला रेंज आईजी मुखविंदर सिंह चिना एसएसपी बरनाला संदीप मलिक एसपी रवनीत चौधरी सहित एसपी रैंक के अधिकारी और डीएसपी मुख्यालय सहित भारी पुलिस बल द्वारा बरनाला के बस स्टैंड के बैक साइड नशा बेचने को लेकर बदनाम बस्तियों में रेड की गई। इस मौके पर आईजी मुखविंदर सिंह ने नशा तस्करों को पकड़ने पर सख्ती बरतते हुए कहा कि पंजाब सरकार के दिशा निर्देश में पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए समय समय पर इस तरीके की रेड की जा रही है जिस दौरान नशा बेचने वाले तस्करों को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शहरवासियों और गाँव वासियों को भी पंजाब सरकार का संदेश देते हुए कहा कि पंजाब को नशा मुक्त करना है जिसके लिए हम सभी को मिलजुल कर सहयोग देना पड़ेगा। इस रेड के दौरान बस्तियों में से गुजर रहे राहगीरों को भी चेक किया गया और वहीं बस्तियों के घरों में जाकर घरों की तलाशी ली गई। आईजी मुखविंदर सिंह छिना ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की नशा तस्करी करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। गवर्नमेंट का आगाज हैगा कि नशा मुक्त पंजाब उदे तहत पहला स्टेट लैवल दे ऑपरेशंस प्लान होंदे सी अज असी पटियाला रेंज दे विच संगरूर ते बरनाला दो ज़िलों के स्पैशल ऑपरेशन रखे है कोई 550 के करीब फोर्स जी है कुछ बाहरों फोर्स भी मिली है वो सारी असी राइट फ्रॉम SSP SP DSP SHO ईवन साडे होमगार्ड के जवान सारे इस ऑपरेशन लगे हुए हैं। मकसद की है कि असी एक मैसेज देना चाहते हैं कि वड्डे ड्रग स्मगलर्स भी पकड़ांगे जिहड़े थले छोटे कोरियरस है जिहड़े घर घर जाके कले कले जवानों को नशा पहुँचाते हैं चाहे पुड़ी देंदे है चाहे कोई इंजैक्शन देंदे है वो असी पकड़ के सलाखा पिछे देने ऑपरेशन डे एंड नाइट चलते रहते हैं। मीडिया के तहत जो तो असी वड्डा ऑपरेशन हुंदा उदों ही बाइट देने हैं अदरवाइज साढ़े सीक्रेट ऑपरेशन थाने लैवल पर CIS के रेड वगैरह होर नाकाबंदी सीक्रेट ऑपरेशनस टैक्नीकल ऑपरेशन जोड़े आ ड्रग्स अगेंस्ट चलते रहते हैं। असी ड्रग की सप्लाई चेन जी है वह तोड़नी चाहते हैं कि नशा आवे ही ना। हुण इहदा एक दूसरा पहलू आ कि चीज़ की सप्लाई उदों आती जो डिमांड हो जी डिमांड है नशे की ये वास्ते सब तो वड्डा रोल जड़ा मैं समझदा पेरेंट्स का समाज का पंचायतों का मोहल्लों का NGOs का लोगों का जे मापे अपने बच्चों को समझाउण या उन्हां ते निगाह रखण छोटे हुंदिआं तों ही उन्हां दे माइंड च पाई जाए चीज़ कि बेटा ड्रग जिहड़ा है अल्टीमेटली इहदे नाल तुहाडी जान जाऊगी। अजकल एक एक बच्चा सारिआं कोल एक बेटा एक बेटी जदों किसी नौजवान बच्चे की डैथ हुंदी है तो घर में जाके देखो कारी मुद्दा हो जाता मापियां का जीन का कोई मकसद नहीं रह जाता। सो वो साड़ी कोशिश है कि पिंड पिंड महला महला लोग उठ के खड़े हो जाए। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जालंधर के कस्बा लोहिया के गांव का दौरा किया।
इसके साथ हरी के पत्तन का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ ग्रस्त गांव का निरीक्षण करके गांव वासियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि 20,000 एकड़ जमीन पर पानी से फसलों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि वे हरी के पत्तन और लोहिया गिद्दड़ पिंडी गांव का जायजा लेकर आए हैं। वहां पर पानी की मार सबसे ज्यादा पड़ी है। खेती बाड़ी विभाग से जानकारी ली गई है, जिन्होंने बताया है कि जहां जहां पानी आया है, अगर वहां की जमीन की नमी सही हो जाती है तो 15 अगस्त तक नई पनीरी किसान लगा पाएंगे। बनवारी लाल पुरोहित ने मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में समय लग रहा है और सहयोग करने में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। अभी जहां जहां पंजाब में बाढ़ आई है उसकी पूरी रिपोर्ट आनी बाकी है, इसलिए अभी तक पंजाब को बाढ़ग्रस्त राज्य नहीं लाना गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सिवाय वे कहीं बाहर नहीं जाते और दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आपदा तो आई है और नुकसान भी काफी हुआ है। नुकसान होने का कारण एक तो बरसात इतनी ज्यादा हो गई एक दिन में कि जो दोनों नदियां हैं सतलज और ब्यास, यह है डीसी साहब से भी बातचीत हुई, लोगों से भी बातचीत हुई, तो दो मेजर ब्रीचेज हुए हैं सतलज में, उनकी वजह से पानी निकल के काफी फैला है, नुकसान काफी हुआ है। नुकसान का एस्टिमेट करीब करीब 20,000 एकड़ जमीन पानी के अंदर से आके क्रॉप का डैमेज हो गई। एस्टिमेट ऐसा है कि उसमें से रफली 50% की जो क्रॉप है वो फिर से बो दिया जाएगा, तो इनकी तरफ से व्यवस्था की जा रही है पूरी कोशिश कि यदि अभी भी शुरू करेंगे, जहाँ जहाँ सूखना शुरू है तो पनीरी दिया, तो क्योंकि पूरा राइस बेल्ट है ये, पनीरी दिया तो फिर से लगा सकते हैं और वो क्रॉप फिर से आ सकती है। ये भी होगा तो करीब करीब इनका एस्टिमेट ऐसा है कि रफली मैक्सिमम 50-60% तक रिकवर हो सकता है, वो रिपोर्ट के बेसिस पे, क्योंकि ये भी काम एकदम ग्रास रूट लेवल पर, पहले पटवारी की रिपोर्ट होती है, पटवारी से लेके जो चैनल होते होते हैं, कितना भी जल्दी करेंगे तो मुझे भी लगता है कि इनको 15 दिन तो और लगेंगे ही। मेरा इनको खाली, साथ में सेक्रेटरी साहब आए हैं हमारे इरिगेशन के सीनियर और सीनियर ऑफिसर हैं, कि इमीडिएट 15 दिन के बाद में यू शुड हैव सफिशिएंट फंड विथ यू, पूरा का पूरा कॉम्पेंसेशन तुरंत डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोग जरा इम्पेशेंट हो रहे हैं, मैंने बातचीत की है, उनका कहना है क्योंकि कि हमको राहत अभी तक मिली नहीं है। ठीक है, फूड पैकेट्स आ गए, वो इन्होंने दिया, पानी दिया, देट इज़ नॉट, उतना इमरजेंसी का काम तो हो गया, देट इज़ जिसको हम बोलते हैं ना डिजास्टर टीम रहती है ऐसी आपदा के टाइम में, वो इनकी टीम ने अच्छा काम किया, इन्होंने तुरंत लेके सभी लोगों से बातचीत हुई, दे आर सेटिस्फाइड। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह इटियो की ओर से नगर कौंसिल कार्यालय जंडियाला गुरु में एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि नगर कौंसिल कार्यालय की ओर से 78 पदों को भरने के लिए एड दी गई थी, जिसके चलते 49 सफाई कर्मचारियों को नगर कौंसिल जंडियाला गुरु के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये सफाई कर्मचारी आउटसोर्सेस पर काम कर रहे थे, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट आधार पर रेगुलर कर नियुक्ति पत्र दिए गए हैं,
और अब ये कर्मचारी नगर कौंसिल जंडियाला गुरु के अधीन काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को वेतन नगर कौंसिल जंडियाला गुरु की ओर से दी जाएगा। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार नौजवानों को रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है और उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने सेवा साल के कार्यकाल के दौरान ही 30,000 से अधिक नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करवाया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री की धर्मपत्नी सोहिंदर कौर, भाई सर सतिंदर सिंह, मुखविंदर सिंह सोनी, शहरी प्रधान सरबजीत सिंह डिम्पी, नरेश पाठक, सुनैना रंधावा, कार्य साधक अधिकारी जगतार सिंह, एसडीओ सुखजीत सिंह, एक्सीएन मनिंदर सिंह, एसडीओ गुरिंदर सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज एक ऐड दी सफाई सेवकों की 78 बंदे असी जड़े भर्ती करने से जंडियाले नगर कौंसल के जिदे बकायदा इश्तहार दे के जो भी इंटरव्यू सी वो सारी हुई जो कमेटी बनी सी और असी 49 बंदे अज जड़े ने फाइनल सिलेक्ट किए ने उन्होंने असी अज इतने अपॉइंटमेंट लैटर जोड़े आ जंडियाला नगर कौंसल वालों जोड़े आ देने लगे हैं। इस तो अलावा इन्हों की जी सैलरी वगैरह 49 की वो नगर कौंसल की जिम्मेवारी होगी। नगर कौंसल अपने फंडस के डायरैक्ट सैलरी जी इस तो अलावा साढ़े बाहर बिजली घर तो लेके तो शमशान घाट तक गुनोवाल रोड पर रोड जी है बड़ी खराब सी, काफ़ी लंबे समय तो बड़ी डिमांड आ रही थी पर पिछे इनू असी शुरू नहीं कर सके बारिशों का करके कुछ मौसम खराब रहे। सो अज असी इनू जी शुरुआत करनी है। ये 2,75,00,000 रुपए का ये जो प्रोजेक्ट आ पैसे सेंक्शन जी वो दे दी गई है और अज यदी शुरुआत हो जाएगी। थोड़े समय के 3-4 महीने के जी रोड आ बन के तैयार होगा और इनू पूरी असी RCC रोड बना रहे हैं। हंसराज महिला महाविद्यालय में NCC यूनिट की ओर से एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन भोगपुर के सहयोग से शहीदों को नमन कारगिल विजय दिवस नारियों को सम्मानित करने हेतु समर्पित किया गया। समागम का शुभारंभ संस्था परंपरा अनुसार ज्योति प्रज्वलित कर DAV गान से किया गया। मुख्य अतिथि कमांडर ऑफिसर कर्नल MS सचदेव, मेजर इरविन कौर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एवं एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन भोगपुर से कैप्टन गुरमेल सिंह, DAV पब्लिक स्कूल लुधियाना के प्राचार्य सतवंत भुल्लर एवं सुरजीत लाल उपस्थित रहे। समस्त कार्यक्रम को दैनिक सवेरा, सहारा समिति एवं HDFC बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अजय सरीन ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज का दिन केवल वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझने का भी है। मेजर इरविन कौर ने अपने संभाषण में सबसे पहले कारगिल शहीदों को नमन किया तथा छात्राओं को अपना लक्ष्य निर्धारित कर मुश्किलों का सामना करते हुए जीवन पथ पर अग्रसर रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर वीर नारियों में दलविंदर कौर, कमलजीत कौर, हरप्रीत कौर, कुलवंत कौर, मनजीत कौर, हाको कौर, हरजिंदर कौर, शीतल कौर, सुरिंदर कौर, राजकुमारी गुरबख्श कौर, सुखबीर कौर, महिंदर कौर एवं मोहिंदर कौर को सम्मानित कर गौरव अनुभव किया गया। इसी उपलक्ष्य में सेवानिवृत्त ऑफिसर्स में मेजर शिंगारा सिंह, सुरजीत सिंह, किशन सिंह, तेज राजेंद्र सिंह एवं अनिल कुमार को भी सम्मानित किया गया। समागम के अंत में कैप्टन गुरमेल सिंह द्वारा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। समागम का अंत राष्ट्रगान से किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन राजबीर की रिपोर्ट। हंसराज महिला महाविद्यालय के परिसर में आज के इस कारगिल विजय दिवस पर पहुंचे हुए हर उस भारतीय का जो कि जितने जितने कदम चलकर यहां पर आया है उतनी उतनी बार उनको नमन है, उनका स्वागत है। उनके लिए हमारी पलकें शायद पूरा साल बिछी रहती हैं कि कब ये कारगिल विजय दिवस आए और हम सब मिलकर फिर से इकट्ठे होकर भारत माता की शान में कुछ बातें कर सकें, कुछ जिम्मेवारियों की बात कर सकें, कुछ राइट्स की बात कर सकें, कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात कर सकें उस युवा वर्ग से जिससे कि हमें बहुत बहुत आशाएं हैं। पूरा ग्लोब जो है आज भारत की तरफ देख रहा है। पिछले कुछ दिन पहले आपने चंद्रयान के छोड़े जाने की
खबर तो सबने न्यूज़पेपर्स में मीडिया में सब में पड़ी पड़ी। उन सारी की सारी उपलब्धियों के पीछे, उन सारी की सारी गाथाओं के साथ हमारा सर तो ऊंचा हुआ ही हुआ है, ये तो यकीनन है। लेकिन फिर भी गाहे बगाहे हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि हमारे शहीदों का बलिदान, हमारे शहीदों ने जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उस भारत माता के ऊपर, कहीं हम उसकी शान में दाग तो नहीं लगा रहे। पहली पंक्ति में बैठी जितनी माताएं हैं उनको एक सलूट मारना चाहता हूं, क्योंकि जो सेवा इन्होंने की है शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और भी कर सकता। एट द सेम टाइम आई थैंक द कॉलेज, द प्रिंसिपल एंड द अदर डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज हु आर हियर। आई वाज टेलिंग मेजर इरविन दैट जब ये सामने बैठे हुए जितने हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इनकी छाती पे लगे हुए ये मेडल आप देखते हैं तो एक अजीब सा जोश आपके अंदर आ जाता है। देख रहा था कि तकरीबन 60% जितने हमारे बहादुर एक्स सर्विसमैन यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने 71 की जंग लड़ी हुई है, तो इनसे ज़्यादा क्योंकि पूर्वी स्टार उनके पहले रिबन में से एक है। और जब आप इनको देखते हैं तो मुझे लगता है कि हर मायने में ये देश को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। संगरूर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कैसो के तहत रामनगर बस्ती में रेड की गई। इस दौरान संदिग्ध व्यक्तियों के घरों की तलाशी ली गई। पुलिस द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन सुबह 8 बजे शुरू किया गया, जिसमें आईजी पटियाला रेंज MS छिना भी शामिल रहे। तो वहीं संगरूर पुलिस के SP सुरेंद्र लांबा द्वारा सुबह से ही इस रेड को लीड किया जा रहा था, और दूसरी ओर संगरूर पुलिस द्वारा नशे के रैकेट को तोड़ने के लिए इलाके के सरपंचों को पुलिस लाइन में बुलाया गया, जहां पर उनसे IG MS छिना ने मुलाकात की। अब तक संगरूर के 87 गांवों की पंचायतों ने नशे के खिलाफ पंचायती मते डाले हैं, और वहीं अब आगे ड्रग्स चेन को तोड़ने के लिए गाँव की पंचायतें पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी और इसी तरह के ऑपरेशन को लगातार चलाया जाएगा। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। जी, नारकोटिक ड्रग्स पंजाब दे विच जो नशा चल रहा, ड्रग डेथ्स हो रही ने उहदे मद्देनज़र असीं पटियाला रेंज दे दो डिस्ट्रिक्ट शॉर्टलिस्ट किए, संगरूर ते बरनाला। उहदे विच साडे स्पैशल कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लाई ने, पहले भी असीं करदे रहे हैं, पहला स्टेट लैवल ते सी, हुण रेंज लैवल ते दो दो डिस्ट्रिक्ट सैट करके स्टेट दी पॉलिसी है। संगरूर दे विच कोई 700 जिहड़ा पुलिस फोर्स है उहनूं मोबिलाइज किया इस ऑपरेशन लई, ते साढ़े तिने SSP साहब, तिने SP, कोई 10-15 साढ़े जिहड़े गैसट अफसर सिबान, SHA सिबान, सारा का सारा डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा है वो इस काम पर लग्या। तो परपज़ यह है कि साडा कि जिहड़ी ड्रग सप्लाई चेन है तुड़ी जाए, कि वड्डे ड्रग स्मगलर्स उन्होंने नत्त पई जाए, जिहड़े थले उन्हां दे माइक्रो लैवल ते ड्रग्स पहुँचाउंदे है वो उन्होंने पकड़िया जाए, उन्होंने एक मैसेज आए कि हुण जिहड़ा है कि नौजवानी पंजाब की खराब करन दा समां नहीं है, तो पुलिस तर्क है, पब्लिक भी जी है उठ के खड़ी हो गई है। हम देखो अज जड़ा है ड्रग्स के खिलाफ जी सा मुहिम हैगी, अज डेडिकेटेड ऑपरेशन लगभग 700 तो ज़्यादा पुलिस मुलाजिम ला के दो थावां ते असी संगरूर जिहड़ा है रामनगर बस्ती किया है, तो दूरी से बाजगर बस्ती जी है उत्थे असी किया है। तो उस तो अलावा जो सारा ऑपरेशन चल रहा है मैं भी उत्थे आई साहब भी उत्थे जाके विजिट करके भी आए हैं, तो उस तो अलावा जड़ा हैगा साड़ी एक ड्रग फ्री विलेजेस दी कैंपेन चल रही हैगी संगरूर विच, जिदे विच हुण तक 87 वार्ड्स और पिंडा ने जड़ा हैगा उन्हां दे सरपंच साहिबान ने पंचायत दे नाल मिल के ड्रग फ्री विलेज दी कमिटमेंट वास्ते मता पाया हैगा। उन्हां दे 10 पंचायतों के सरपंच साहिबान, पंच साहिबान मोतवाल लोग मौजूद जड़े हैगे, उन्हां दे नाल भी आज एक मीटिंग असी कीती हैगी, आई साहब ने भी उन्होंने मीटिंग की हैगी। तो जिहड़ा साडा ड्रग फ्री विलेज का जिहड़ा कैंपेन हैगा उस पब्लिक ने बड़ा प्रोएक्टिवली जिहड़ा हैगा
ਉਹ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਫਰੀ ਵਿਲੇਜ ਦਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ੂਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। APJ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਮੇ ਅੰਤਰ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਪੌਜ ਥਿੰਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇ 6ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਸੇ ਲੇਕਰ 8ਵੀਂ ਕਕਸ਼ਾ ਕੇ ਛਾਤਰੋਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛਾਤਰੋਂ ਨੇ ਬਾਲ ਮੋਟਾਪਾ, ਬਾਲ ਸ਼੍ਰਮ, ਸਹਿਕਰਮੀ ਦਬਾਬ, ਲੜਕੀਓ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਪਕਸ਼ਪਾਤ ਜੈਸੇ ਵਿਸ਼ਿਓਂ ਪਰ ਸ਼ੋਧ ਕਾਰਯ ਕੀਆ। छात्रों द्वारा शोध के लिए सौंपे गए विषयों के कारण और प्रभाव का विश्लेषण किया गया और वीडियो पोस्टर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में अपनी रिपोर्ट पेश की गई। इस कार्यक्रम में APJ स्कूल महावीर मार्ग जालंधर की सामाजिक विज्ञान विभाग की प्रोफेसर रिसोर्स पर्सन गुरविंदर कौर द्वारा छात्रों के प्रयासों की बहुत सराहना की गई। इस दौरान स्कूल की कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशल ने छात्रों को विभिन्न विषयों पर शोध कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। परफॉर्म सो वेल दैट द जजमेंट इज वन थिंग व्हिच आई नीड टू डू बट आई फाइंड एवरीबॉडी ओवर द स्टेज सो वेल दे परफॉर्म सो नाइसली एवरी एक्ट इनएक्टमेंट वेदर इट वाज माइम वेदर इट वाज डांस एंड स्पेशली दैट द इंटरव्यूइंग द पर्सन व्हिच यू हैव टेकन अप फ्रॉम योर रियल लाइफ सिचुएशन That was the best part in all the groups, what I find. And children went to home, they interviewed the people, and they are creating the awareness among the people about it. So it was really, children, very good. And I should really appreciate you for that effort. Keep on doing such things and creating awareness among the people about the social issues, which are actually prevailing in our society. Actually, these social issues, these are actually the undesirable circumstances which are not created by nature. So well, ma'am, we are delighted that you are here with us and the beautiful judgment you have done since it was really tough, but then also, I guess, we have made the right judgment. But here, I would say that every student has done the equal effort. All the topics which were given were beautifully presented on the stage. So well done, students, to all the houses, very well done. And I would appreciate the efforts of my dear teachers who are working since, I guess, since the school reopened. Yes, and even in the vacations. So I must applaud for them, for the students who have really worked hard in their summer vacations as well. गत दिनों मणिपुर में हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर जहां देश भर के लोगों की ओर से रोष प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, तो वहीं अमृतसर के लॉरेंस रोड चौक में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की बात कही गई है। इस संबंध में बातचीत करते हुए आप नेता अमनदीप कौर ने बताया कि मणिपुर की हिंसक घटना भारत में औरतों पर हो रहे जुल्म की इंतहा है, जिसने एक बार फिर से केंद्र सरकार की लाचारी और महिलाओं व दलितों पर जुल्म की इंतहा की उदाहरण पेश की है, जिस कारण एक बार फिर से इंसानियत शर्मसार हुई है और आम आदमी पार्टी इसकी सख्त शब्दों में निंदा करती है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मेरा नाम अमनदीप कौर है। आम आदमी पार्टी तो मैं वार्ड नंबर 10 की इंचार्ज हाँ। आज असी इस प्रोटेस्ट का मतलब साडा इंसाफ, असी इंसाफ की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार तो, जिन्हां ने चुप्पी दा अपने मुँह बंद किए हुए ने, अपनियां गद्दियां प्यारियां, इन्हां नूं कुर्सियां प्यारियां, कुर्सियां नाल इन्ना लगाव है कि उन्हां नूं पता ही नहीं लग रहा कि थले आम जनता धियां भैणां दे नाल हो की रहा है। तो मैं उन्हां नूं कहना चाहवांगी जे अज तुसी ना साडे लई इंसाफ लई मंग काम किया या सानूं इंसाफ ना दिलवाया, उस धियां भैणां नूं इंसाफ ना दिलवाया, तो कल नूं आ ना होवे जिद्दां पैपलिन न्यू गिरी दे विच उत्थे 80% लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ गया सी, तो उत्थों दी समाज दीआं औरतां ने कानून दा सारिआं दा दरवाजा, राजनीति दा, हर एक लीडर दा दरवाजा खड़काया सी, पर इंसाफ नहीं ही मिलिया। तो उन्होंने एक लेडीज़ ने अपनी ही मीटिंग की, उन्होंने कहा जे सानूं इंसाफ नहीं मिलना
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। मनुष्य को सदा अपने मार्गदर्शक रूपी गुरु की जरूरत रहती है। संसार रूपी भवसागर को पार कर ईश्वर के पास पाप मुक्त होकर जाने का ये एक रास्ता है। मनुष्य की यह भी इच्छा रहती है कि बार बार जन्म लेने के झंझट से छुटकारा पा सके तथा मुक्ति को पा सके। उक्त वचन माँ बंगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम में करवाए गए साप्ताहिक माँ बंगलामुखी हवन यज्ञ के उपरांत आए हुए सभी माँ भक्तों से अपनी बात को साझा करते हुए धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज ने भक्तों पर अमृत वर्षा करते हुए कहे, जहां सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बंगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान सुभाष चंद्र शर्मा से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। उन्होंने गुरु की महिमा का विस्तार सहित वर्णन किया और कहा कि जीवन भर के लिए संस्कारों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु जीवन की हर मुश्किल का हल करते हैं। इस दौरान हवन यज्ञ के उपरांत 30 जुलाई रविवार को मां बंगलामुखी जी को 56 भोग महोत्सव की तैयारियों की चर्चा एवं सेवादारों की ड्यूटियां भी लगाई गई। इस अवसर पर राकेश प्रभाकर, अश्विनी शर्मा धूपवाले, सुदेश शर्मा, समीर कपूर, संजीव शर्मा, प्रवीण, रोहित भाटिया, लवली रलहन, बाबा जोशी, दिशांत शर्मा, अमरेंद्र कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा, नवदीप, राजीव भारद्वाज, अशोक शर्मा, अजीत कुमार, अश्विनी शर्मा, पंकज, करण वर्मा, राजेश महाजन, भानु मल्होत्रा, मानव शर्मा, अश्विनी थापर, जसप्रीत सिंह, राकेश, सौरभ मल्होत्रा, हंसराज, दीपू ठाकुर, अभिषेक बनोट, श्याम साहनी, ठाकुर बलदेव सिंह, रोहित अरोड़ा, लकी, रवि वर्मा, रमन कुमार, जसविंदर सिंह, सुनील जग्गी, प्रिंस, मदन सिंह, अमित शर्मा, ज्योति, सुमित कुमार सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। भवसागर संसार जिहड़ा हैगा इहनूं किवें पार करना, उहदे च मार्गदर्शक अजकल इंग्लिश कहिंदे मेंटर, कई कुछ कहिण लग पए हुण तां, ठीक है। सो तुहाडा जिहड़ा सच्चा मार्गदर्शक है जिहड़ा इस भवसागर तों माँ बगलामुखी धाम च जिहड़ा सप्ताहिक दिव्य हवन का हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, माँ के सेवादारा ने बड़े ही लगन के नाल और चावां के नाल महामाई के आए सारे भगतों का आदर सत्कार सहित हवन यज्ञ च आहुतियां डलवाइया और महामाई के चरणों च नाना प्रकार के व्यंजन और नाना प्रकार दी जड़ियां बूटियां हवन यज्ञ किया गया। मैं इस दे नाल दसना चाहना कि 30 जुलाई दिन रविवार जिहड़ा कि साल च एक बार महामाई का दिन आता है जिदन माँ नूं 56 भोग लगाए जाते हैं और ये दिन 30 जुलाई दिन रविवार नूं है। सारे माँ भगतां ने हुम हुमा के पहुँचना है सब परिवार और जिहड़ा भी कोई अपने घरों किसी भी तरह का कास्ट नूं बार महा माँ के सारे पुत्र है, कोई जातिवाद असी यकीन नहीं करते और सानूं कई लोगों के फोन भी आए हैं, कोई भी अपने घर सुचा चौंका करके और केसी स्नान करके बिना लसन प्याज तो कोई मिठी चीज़ या नमकीन वस्तु कोई भी बना के महामई के चरणों से लिया सकता। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है भी 10:30 तक 11 बजे तक इतने चीज़ वो वस्तु पहुँची होवे ता जो आप महामई के चरणों के जिहड़ी भेट है वो चढ़ा सकीए, क्योंकि 12 to 1 बजे तक महामई को भोग लगने हैं। जो उस दौरान आती है तो थोड़ा जि हौच पौच हो जाता क्योंकि ज़्यादा साधन जिहड़े है वो आ जाते हैं,
तो माँ को भोग लगवाना कई बार मुश्किल हो जाता। पिछली बार 650-700 भोग से और ऐतकी महामाई की कृपा नाल 1100-1100 भोग महामाई में लगेगा। और यही साड़ी माँ के चरणों के अरदास बेनती है कि अपने सारे जिहड़े भगतों के मन निर्मल करो और मत उच्ची करो और ऐदे ही सानू उतलित बल दिओ ता जो तुहाडी सेवा कर सकीए। जकारा बगला मुखी माता जी दा बोल साचे दरबार की जय। अज माँ बगला मुखी के दरबार जो कि लम्मा पिंड चौंक गुरबोर सिटी के स्थित हैगा उत्थे माँ के भव्य मंदिर के जड़ा हवन यज्ञ जड़ा लगातार हर वीरवार होंदा हैगा वो किया गया और श्रद्धालु जड़े आ सवेर तो लैके लगातार आहुतियां जिहड़ियां पा रहे सीगे ते उन्होंने महामाई का आशीर्वाद प्राप्त किया हैगा। इत्थे मैं एक होर गल भी कहना चाहना कि जड़ा 30 जुलाई दिन रविवार माँ बगला मुखी जी को 56 भोग लगाए जाएंगे तो उत्थे भगतों को बेनती की जाती है कि सारे भगत अपना कोई भी भोग प्रसाद जड़ा वो लियान जड़ा कि लसन और प्याज तो रहित होवे और आके महामाई को भोग लगवान। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 8वें दिन की प्रभात फेरी गुलाब देवी रोड गली नंबर 11 में स्थित समाज सेविका मीनू कश्यप के निवास स्थान से निकाली गई, जो कि इलाके की अलग अलग गलियों की परिक्रमा करते हुए वापस मीनू कश्यप के निवास स्थान पर आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस दौरान कश्यप परिवार की ओर से अवनीत कश्यप, मीनू कश्यप, वंश कश्यप, नैनिका कश्यप ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया और कई प्रकार के व्यंजनों के लंगर प्रसाद के रूप में वितरित किए गए। वहीं इस दौरान गली नंबर 8 में प्रभात फेरी के पहुँचने पर प्रदीप कुमार, ममता रानी, प्रियंका, तरुण द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया और भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। Jai Ram, 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 Jai Ram,
अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बंगलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बंगलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। सावन माह को लेकर भक्तों में पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मंदिरों में भक्त पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसी के तहत किशनपुरा स्थित शमशान घाट में बने शिव मंदिर में शिव भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिसके चलते एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा और दयाल वर्मा सहित अन्य शिव भक्तों की ओर से शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाया गया। रुद्राभिषेक करवाकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मैं आशु मल्होत्रा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 19 वर्षों के बाद भगवान जो अधिक मास है वो श्रावण मास में आ चुका है, तो ये जो श्रावण मास है वो 59 दिन का है। तो इस श्रावण मास में हम क्या क्या भगवान शिव से ले सकते हैं, ये मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहता हूँ। पहले एक बात शास्त्रों से बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी हमें वो देते हैं जो विष्णु भगवान जी कहते हैं, और विष्णु जी हमें वो देते हैं जो हमारी हाथ की लकीरों में लिखा हुआ है, लेकिन भगवान शिव हमें वो देते हैं कि ये मेरा भगत है, मेरे मंदिर में आ रहा है, मुझे इसको देना है। ना वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ना विष्णु जी से पूछते हैं। जो आपकी किस्मत में नहीं लिखा वो भी आपको भगवान शिव दे सकते हैं, ये मृत्यु को भी रोक सकते हैं। तो इस दिनों में अगर हम भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलता है, हमारे कई दुख खत्म हो जाते हैं, समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो हमें इन दिनों का बहुत लाभ लेना चाहिए। शान गौशाला पहाड़ थे, नदी किनारे और शक्ति पीठ थे, 100 गुना फल दस्या गया शिव पुराण च भी। जिन्ना भी असं अभिषेक पाठ पूजा तप करते हैं, 100 गुना फल मिलता है।
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गो सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके सातवें दिन दोपहर 4 बजे से लेकर साय 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए, जिसके पश्चात साय 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। पर पर परम दयालु गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी के 40 दिन की जयंती भगवत आराधना महामहोत्सव में अपनी सहभागिता निभाते हुए प्रभु राजनों का परम लाभ प्राप्त करते हुए अपनी जीवन को धन्य कर रही हूँ। अभी अभी अयोध्या धाम से भरे हुए पूज्य श्री आचार्य संतोष जी महाराज विशेष रूप से अपने सभी भूपत मंडली के साथ हनुमान चालीसा के पाठ हुआ सुंदरकांड के द्वारा परम दयालु गोस्वामी जी के महामहोत्सव में अपनी हाजिरी लगा रहे थे। श्री बलदेव कृष्ण जगात्री वाले जिन्होंने जीवन भर श्री विनोद अग्रवाल जी के साथ देश व विदेशों में भगवान के प्रिय रसिक वैष्णव जनों को भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा प्रदर्शित किया। भगवान के जो रसिक होते हैं संत होते हैं अजर अमर होते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती है। तो जैसे भगवान श्री हरि नित्य हैं ऐसी उनके संत वैष्णव सुखी होते हैं। श्री मुकुंद हरि जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी, सूरदास जी, तुकाराम जी, जिन्नी नाम त्याया गए काल नानक के पूजल की छुट्टी नाथ, जिन महापुरुषों ने भगत रखो भगवान के सुजस को गाया है सदा के लिए जाते। हमारे महापुरुष कहते हैं शब्द ब्रह्म है, जो भी हम सत्य वचन बोलते हैं वो सदा के लिए अजर हो जाते हैं।
माँ भगवती गीता का उपदेश आदमी करती हैं जैसे भगवान गोविंद ने अर्जुन को गीता जी का ज्ञान दिया। अन्य ऋषि मुनि गुरुजन ने जो सत उपदेश दिए वो आदमी अकाशा शक्ति के रूप में विद्यमान है और आज का ज्ञान भी इस बात को माना है। जिन्होंने महापुरुषों ने अपने जीवन में भगवत आराधना करी है दूसरों को करवाई है। आप जप ही अवर नाम जपावे ताकि महिमा गनी ना जावे, उनके अनंत महिमा को हमारे सतग्रंथ ने गाया है। आज कैसे ही भगवत रति भगवत प्रेमी महापुरुष का जहाँ सफल कर रहे हैं श्री गोलोकवासी यशोदानंद आचार्य जी महाराज, जो जलंधर क्षेत्र में हमारे करतारपुर पंजाब के करीब करीब सभी शहरों में उनका आना था। समय के वो गंधर्व थे, हमने कई वर्षों तक उनके जिनके नाम सेवन किया है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर के लहराकागा में सीवरेज की जहरीली गैस चढ़ने से एक सफाई कर्मी की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर। कृषि विभाग ने जीरा की दाना मंडी में स्थित पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के एक अनधिकारित गोदाम को किया सील। पंजाब सरकार के दिशा निर्देशों के चलते बरनाला पुलिस ने बदनाम बस्तियों व सेंसिटिव इलाकों में की रेड। आईजी पटियाला रेंज मुखविंदर सिंह छिना ने की अगुवाई। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।